हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी के बारे में। पैथोजेनेसिस का डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसके अंदर। तो अगर याद है तो अभी बताना आप। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। अब जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है पहले वाला, उनको पैथोजेनेसिस की डेफिनेशन पता होगी, और जिनने नहीं देखा है वो जाके देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। पीछे के लेक्चर सभी अपलोड हैं, पीछे के सभी सब्जेक्ट्स अपलोड हैं इस सब्जेक्ट के अलावा, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो जान लेते हैं पैथोजेनेसिस क्या होता है। अब हमने सेल इंजरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम इस सब्जेक्ट के अंदर, इस यूनिट के अंदर। तो सेल इंजरी में क्या होता है कि सेल डैमेज होती है या फिर कोई उसके अंदर डिजीज होती है। तो जो डिजीज होती है उसकी प्रोग्रेशन, मतलब वो कैसे फैलती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। मतलब कि जो डिजीज है वो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। बेसिकली जो वर्ड है पैथोजेनेसिस कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड पैथोज से, जिसका मतलब है सफरिंग डिजीज, एंड जेनेसिस मीन है क्रिएशन। मतलब कि इसका मतलब यही है कि कोई भी सेल है या बॉडी है वो डिजीज से सफ़र कर रही है, और उस डिजीज की कितनी प्रोग्रेशन हो रही है उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ए डिजीज और डिसऑर्डर डेवलप, जिससे डिजीज और डिसऑर्डर आगे डेवलप होता है। इट कैन बी इंक्लूड फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट नॉट ओनली द ऑनसेट ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। मतलब कि इसके अंदर जो फैक्टर्स होंगे वो डिजीज और डिसऑर्डर में ही इंक्लूड नहीं होंगे कि डिजीज और डिसऑर्डर को कोच करने के काम आएंगे। इसके अलावा ये डिजीज के प्रोग्रेशन में भी हेल्प करेंगे। जो कंपोनेंट्स, जो फैक्टर्स हैं वो जो पैथोजेनेसिस में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट जो फैक्टर है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी। कोई भी डिजीज होती है, कुछ भी कारण होता है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकती है, राइबोसोम डैमेज हो सकता है, न्यूक्लियर डैमेज हो सकता है सेल इंजरी के अंदर, क्योंकि बात कर रहे हैं हम सेल इंजरी की। तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज में क्या है, परसिस्टेंट एस्केमिया एंड हाइपोक्सिया। इसका मतलब क्या है कि अगर लंबे टाइम तक सेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, तो क्या होगा, रिजल्ट इन इरिवर्सिबल चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इरिवर्सिबल चेंज होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में ऑफ द सेल, या फिर सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज। बेसिकली मेम्ब्रेन डैमेज होगी फिर सेल कंप्लीट सेल डैमेज होगी। द पैथोजेनेसिस इन सेल इंजरी इन्वॉल्व सर्टेन इवेंट। इसके अंदर सर्टेन इवेंट होंगे, क्योंकि सेल के अंदर भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं जो डैमेज होंगे, तो कंप्लीट हमारी सेल डैमेज होगी। लाइक डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन, साइक्लोस्केलेटन डैमेज। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, अपीयरेंस ऑफ वैक्यूल्स, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, राइबोसोमल डैमेज होगा और न्यूक्लियर डैमेज होगा। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो माइटोकॉन्ड्रियल सप्लायर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का काम सभी जानते हैं कि ये एनर्जी को सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब पावर हाउस होता है एटीपी का। और ये कैसे डैमेज हो सकता है, बाय इंक्रीज साइटोसेलिक कैल्शियम ऑक्सीजन डिप्रिवेशन। जब साइटोसेलिक कैल्शियम और ऑक्सीजन डिप्रिवेशन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है। टू मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैमेज, बेसिकली टू मेजर कॉन्सिक्वेंस है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के। फर्स्ट है फेलियर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, और डिप्लीटेशन ऑफ एटीपी, कुलमिनेशन
कुलमिनेशन इन नेक्रोसिस ऑफ सेल। बेसिकली अगर ये प्रोसेस नहीं होती है तो क्या होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा। इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन लीकेज। अगर परमिएबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो उसके अंदर लीकेज की संभावना बढ़ जाएगी। और प्रोटीन इनटू साइटोसोल एंड डेथ बाय एपोप्टोसिस, जो प्रोटीन है उसका कंप्लीट निकल जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और उसके उसकी डेथ हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की। थर्ड है राइबोसोमल डैमेज। इसमें क्या है, डैमेज टू राइबोसोम कैन लीड टू डिजीज विथ टर्म एट राइबोसोमोपैथी। इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमोपैथी। राइबोसोम डैमेज के कारण अगर कोई डिजीज कोज होती है तो उसको बोलते हैं राइबोसोमोपैथी। राइबोसोमोपैथी आर कोज बाय अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की स्ट्रक्चर और फंक्शन में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उस कारणवश से राइबोसोमोपैथी होती है। नेम ऑफ सम डिजीज, कुछ डिजीज इसके द्वारा कोज होती है, जैसे डायमंड बेकफेन एनीमिया, डिस्केरेटोसिस जेनेट कॉन्जेंटियल और स्वचमान डायमंड सिंड्रोम। इनके बारे में नोट्स में कंप्लीट लिखा हुआ है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। फोर्थ है न्यूक्लियर डैमेज। डीएनए एंड न्यूक्लियो प्रोटीन आर डैमेज बाय एक्टिवेटेड लाइसोसोमल एंजाइम। बेसिकली कुछ एक्टिवेटेड लाइसोसोमल एंजाइम है जो डीएनए न्यूक्लियस को डैमेज करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को डैमेज करते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है प्रोटीएज, एक है एंडोन्यूक्लियस। ये दोनों ही ऐसे राइबोसोमल लाइसोसोमल एंजाइम हैं जो बेसिकली डीएनए न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं। इरिवर्सिबल डैमेज टू न्यूक्लियस कैन बी थ्री फॉर्म। बेसिकली थ्री फॉर्म में ये न्यूक्लियस को डैमेज करेंगे। फर्स्ट है पाइकोनोसिस, इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन एंड क्लैंपिंग ऑफ न्यूक्लियस, क्लैंपिंग होगी न्यूक्लियस के अंदर। सेकंड है कायरोहेक्सिस, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन होगा। लास्ट है कारियोलाइसिस, इसमें क्या होगा, डिजोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस डिजोल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। इसके अंदर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डैमेज और राइबोसोमल डैमेज और न्यूक्लियस डैमेज। अगर डीपली पढ़ना है आपको तो नोट्स परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी इतना भी इनफ है, इस स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, तो इससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।